देवनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या सो नीचे नैन। देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या सो नीचे नैन। खान खाना रहीम बोले, भैया जब तुम बांटते हो तो आंखें नीचे करके क्यों बांटते हो, दान देते हो? छाती ऐसे फुलानी चाहिए, यहां तो एक कंबल बांट करके 500 फोटो खिंचवा के डालते पेपर में और तुम आंखें नीचे करके देते हो। तुम भी तो जरा ऐसे छाती फुलाओ। हमारे वृंदावन में या कहीं भी तुम असली बांटने वाले को देखोगे तो 12-2 बजे रात में निकलते हैं, 2 बजे रात ठंडे में सोए हुए लोगों को कंबल उड़ा के उसको भी पता न चले कि किसको उड़ाया किसने उड़ाया, उसको दान कहते। तो कि ठीक है, बांट के प्रचार करते हो तो लोगों को शायद प्रेरणा मिलेगी, उससे करेंगे, इसकी भी निंदा मैं नहीं करता, पर तुम्हारा तो बेड़ा गर्क है, बस इतना ही समझ। तुम्हारे मन में अगर अहंकार और प्रचार है, अगर भावना यह है कि हे प्रभु मैं इसलिए इसको छपवाया हूं कि लोगों में देने की प्रवृत्ति बढ़े, क्या यह सही है नाथ? अगर दिल, अपने दिल की हालत तुमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता हो, भगवान से तो झूठ नहीं बोल पाओगे, तुम्हारे दिल की हालत वो जानता है। अगर रियल में तुम्हारी ये भावना है देन यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन कह तो ये रहे हो कि प्रेरणा देने के लिए कर रहा हूं, पर भीतर यह है कि छपा जाए तो उससे नहीं छुपेगा। अब मामला बनना भी उसी से है, ये लोग नहीं बना पाएंगे तुम्हारे हमारे मामले को, मामला बनाएगा तो वही बनाएगा और बिगाड़ेगा भी तो वही बिगाड़ेगा, रातों रात बिगाड़ देगा और रातों रात बना देगा मामले, इतना तो पक्का है भैया, इसमें तो दो मत नहीं। तो जब इतना पता है कि वो बना भी देगा तो उसके साथ ईमानदार रहने की तो बात है, जैसे हो वैसे आ जाओ। भगवान ने पूतना को कहा तू राक्षसी थी, डायरेक्ट आ जाती स्तनों में विष लगा के और कहती तुझे मारने आई हूं, तो मैं तेरी बात भी पूरा कर देता, विष भी पी जाता और बिना मारे तुझे बैकुंठ भेज देता, गोलोक भेज देता, पर तू आई है लक्ष्मी बन के, मटक मटक के आई है सुंदर बन के और भीतर लगा के आई है जहर, इसलिए तेरी दुर्गति करूंगा मैं। भगवान ने दुर्गति कर दी पूतना की, देखा ही नहीं उसकी तरफ। तो न जाने पंडालों में कितनी बार पूतना का वध हो गया, पर हमारी पूतना अब तक जिंदा है। न जाने दशहरा में कितने रावणों को जला दिया गया, पर हमारे भीतर का रावण आज भी जिंदा है। ये पूतना कब मरेगी, ये रावण की वृत्ति हमारे भीतर से कब मरेगी, ये दुर्योधन का वृत्ति हमारे भीतर से कब मरेगा? अपने संतानों के लिए धृतराष्ट्र की तरह अंधे बनना ये बंद कब होगा? ये कथा की सफलता है, ये सदज्ञान का सफलता है, ये जो पांडाल इत्यादि बनते हैं इसकी सफलता यह है कि आपके भीतर प्रज्ञा उठे, प्रज्ञा जगे। 10-20-25-30-40-50-60 साल उम्र हो गए, अब जाने वाले हो, उसके पहले प्रज्ञा जग जाए, प्रज्ञावान हो जाओ, इसके लिए कथा अरेंज किया गया है। इसके लिए नहीं कि यहां कितना भीड़ हुआ, कितने लोग आए, कौन कौन लोग आए, ये सब कोई सफलता नहीं भैया, दिस इज नॉट सक्सेस। द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस डू यू नो, भीतर से कितने ब्लिसफुल हो, मस्त हो, जो जितना मस्त है वो उतना ही सक्सेसफुल और सफल है,
और जो जितना अस्त व्यस्त है उसके पास कुछ भी हो दो कौड़ी का आदमी है महाराज। मस्ती है कि नहीं भीतर की, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आ। वो मस्ती चाहिए, मेरी मस्ती पता नहीं मुझे कहां लेके आई। मौत चाहिए तो पूतना को भगवान ने देखा नहीं और पूतना का वध कर दिया।